लैटिट्यूड्स के बारे में बताया, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन कैसे जनरेट होते हैं, क्यों उसका रीज़न है ऐसा सब जोन बनने का, वो सब बता दिया था. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड्स. आई थिंक सो वी हैव टॉक्ड अबाउट लैटिट्यूड्स. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स. व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी. जिस तरह मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड्स पे कि 0 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 18 डिग्री. तो इससे क्या होता था, क्योंकि लैटिट्यूड से 20 डिग्री पे, ठीक है, मान लीजिए 20 डिग्री नॉर्थ में मैंने आपको बोल दिया एक लैटिट्यूड है, इस पर कई सारी कंट्रीज होंगी. तो उस कंट्रीज को लोकेशन को और एक्यूरेट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए था, क्योंकि ये हचपच हो जा रहा था. 20 डिग्री पे ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही कंट्री हो, कई सारी अलग कंट्रीज भी हो सकती हैं. सो उस हॉचपॉच को क्लियर करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं जिसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स. अब क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स कैसे होंगे, सीधी लाइन ऐसा, इन्हें बोला जाएगा लॉन्गिट्यूड्स. अब इससे क्या होगा, मैं बोलूँगा 0 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, ये सब ईस्ट. और ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये अपने अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. एम आई क्लियर विथ इट. सो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं बोल दूंगा जैसे कि भैया बताइए 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री ईस्टर्न पे कौन सा लोकेशन है या कौन सी कंट्री लोकेटेड है, तो आपको झटफट पता चल जाएगा. वही मैं आपको बोल देता कि सिर्फ 20 डिग्री नॉर्थ पता कौन सी कंट्री, तो आप बताओगे सर जी कि बहुत सारी कंट्री आपको कौन सी जाननी है. तो उस को ओवरकम करने के लिए हमने ये सिस्टम लाया लॉन्गिट्यूड्स का. अब लॉन्गिट्यूड्स का और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो लॉन्गिट्यूड्स हमें दिख रही हैं सीधी, एक्चुअल में ये सेमी सर्कल्स होती हैं. जैसे हमें पता है अर्थ पे दो पोल हैं, ये रहा नॉर्थ ये रहा साउथ. सो ये कुछ इस तरह होती है, ऐसा समथिंग लाइक दिस गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ. सो इस तरह से ये बनती रहती हैं. इसको आप देखेंगे सीजन बॉल का भी आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, जो नॉर्थ टू साउथ एक तरह से बता सकते हैं, बट वो फुल होता है क्योंकि उसके जो रिम होती है वो फुल जाती है ब्लेड्स, लेकिन इसमें हाफ होगा. ये इस तरह से नॉर्थ से साउथ होगा, सिमिलरली वो दूसरे तरफ से भी ऐसा नॉर्थ टू साउथ जाएंगे. सो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इसको और एक नाम सेमी सर्कल हो गया. अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड. सिर्फ एक ही मोस्टली माना जाता है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जो आपको मोस्ट प्रोबेबली याद रखना पड़ेगा, 0 डिग्री. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होता है, जिसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, तो वो ग्रीनविच लेबोरेटरी से पास होता है. अब ये सिर्फ आप पूछेंगे कि भैया ग्रीनविच लेबोरेटरी से ही क्यों, क्योंकि जब इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था कि भैया लॉन्गिट्यूड्स हमें बनाने हैं, किसको क्या 0 डिग्री देना है, किसको क्या देना है, कौन से जगह से 0 डिग्री आएगा, कहाँ से हमें कुछ लोकेशन को पकड़ना है, तो उस कॉन्फ्रेंस में ग्रीनविच लेबोरेटरी जो है अपनी इंग्लैंड की, वहाँ के सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट थे, इस वजह से ग्रीनविच को इन लोगों ने 0 डिग्री मेरिडियन में ले ली. अब 0 डिग्री मेरिडियन है, इसके बाद आपको पता है अलग अलग, ये हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि जिस तरह से लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में करता है, लैटिट्यूड अर्थ को कौन से दो सेक्शन में डिवाइड करता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बोल रहे हैं आप लोग. यस यस यस, बिल्कुल, जो लैटिट्यूड्स है वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से टाइम जोन्स की, किस तरह से हमारे अर्थ की घड़ियां चलती हैं. एस वी ऑल नो अर्थ पे 360 डिग्री, 24 घंटा लेता है अर्थ, किस में, रोटेशन में या रिवोल्यूशन में, बताओ. अर्थ रोटेशन में लेता है 24 घंटा. सो 360 डिग्री पूरा सर्कल है, तो 360 डिग्री ही होगा, जीरो से स्टार्ट करके 360 डिग्री. तो हम लोग रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं उसका थोड़ा बहुत लिटिल बिट आपको एक आइडिया दे दूँ कि रिवोल्यूशन में जो होता है वो अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस पे रोटेट करता है. क्योंकि 360 डिग्री होती है अर्थ को जो है, अर्थ का अगर अपन लोग गो. सो जैसे मैंने आपको बताया था ग्रीनविच के 0 डिग्री माना गया था, अर्थ जो है एक रोटेट करके अपने एक्सिस से, मान लीजिए ये पॉइंट है, यही घूम कर दोबारा वो आने वाली है, तो उसको क्या बोला जाता है, वो 360 डिग्री घूम रही है 24 घंटे में. अब 360 को आप जब 24 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ज़रा मुझे क्लियर कट बताओ.
तो आंसर विल बी 15 डिग्री। इसका क्या मतलब हो रहा है कि हर 15 डिग्री पे आपको एक घंटे का डिफरेंस मिलने वाला है। इसका ये मतलब होता है कि जैसे ये रहा ग्रीनविच, 0 डिग्री पे ग्रीनविच है, इसके जो ईस्टर्न में होंगे वो सारे ग्रीनविच से आगे होंगे टाइम पे। जैसे यहाँ 12 होगा, हर 15 डिग्री पे मैं बोल दिया आपको कि एक घंटे का फर्क आता है, यहाँ 15 डिग्री पे एक घंटा वो आगे हो जाएगा। वही अगर इधर के 15 डिग्री वेस्टर्न में आप बात करोगे, 15 डिग्री ईस्ट है, ये 15 डिग्री वेस्ट है, ये एक घंटा लैग करेगा, मतलब यहाँ 11 बजे रहे होंगे। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि टाइम जोन के बारे में ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया है, सो अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि जो टाइम जोन है उसमें एक इंटरनेशनल डेट टाइम, इसमें जो लॉन्गिट्यूड से टाइम जोन के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है आइडियल इंटरनेशनल डेट टाइम। अब जब आप लोग मैप पर देखोगे तो इंटरनेशनल डेट टाइम कुछ ऐसा है, वो ये जो आप लोग कर देख रहे हो ये इसलिए है टू प्रोवाइड एन यूनिफॉर्मिटी, कि कोई वो किसी लैंड के या कोई जो कंट्री से उसको टच ना करे। तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोगों को देखने मिलता है, एक्चुअली इमेजिनरी लाइन है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको खाली ऐसा माना। ये जो है आप लोगों को इसका एक और मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को ढूंढ के मुझे बताना है कि ये जो ये आइडियल है ये कौन से स्ट्रेट के पास है। अभी आप लोग खरीदना चाहिए स्ट्रेट कौन से पास है, बाद में आगे चैप्टर से हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, व्हाट आर स्ट्रेट्स, व्हाट आर इस्थमस, व्हाट आर प्लेटो प्लेन, सब के बारे में जानने वाले हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था रशिया के पास कितने टाइम जोन हैं, तो आज मैं उस लेक्चर उस चीज़ का जवाब भी आपको देने वाला हूँ। तो ये आइडियल के हिसाब से एक पैराडॉक्स आता है। इसमें क्या पैराडॉक्स होता है कि जो आइडियल का ये हो गया आपका ईस्टर्न साइड, ये हो गया आपका वेस्टर्न साइड। ईस्ट में अब आप सोचोगे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, ऐसा नहीं है, ईस्ट में है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट में है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब इसके बाद अब आप लोग जैसे व्हेन यू विल ट्रैवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, सो आप लोगों को एक दिन का लॉस होगा। एक दिन का लॉस होने का मतलब क्या है, अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर में थे यहाँ का थर्सडे, तो जब आप वेस्ट में जाओगे तो वो हो जाएगा फ्राइडे। और सिमिलरली वेस्ट टू ईस्ट में जब आप जाओगे तो ये आपको एक दिन का गेन देगा, देख रहे हो, आपको ये एक दिन फिर से चीनी मिलने वाला है। और वही जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आपको एक दिन का लॉस हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में कभी थर्सडे आ ही नहीं रहा है। और ओवरऑल अब इस तरह से जो है कई सारे कंट्रीज के अलग अलग टाइम जोन है, जैसे रशिया के पास ऐसे 11 टाइम जोन्स हैं, इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82 डिग्री एंड हाफ, मतलब 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स पे वो होता है। और ये जो पास होता है वो इलाहाबाद के पास नैनी नाम की जगह है, वहाँ से पास होता है। अब ये 82 डिग्री एंड 30 कैसे आता है, क्योंकि जो इंडिया का ईस्ट से वेस्टवर्ड लोकेशन है 68.5 से लेकर के ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट है। तो आप इसका जब एवरेज निकालोगे तो इट विल सम अप टू समथिंग लाइक दिस, इतना ही आप लोगों को मिलने वाला है 82 डिग्री एंड हाफ मिनट्स। सो ओवरऑल आज हमने ये चैप्टर को कवर कर लिया, लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको बता दिया, लैटिट्यूड्स बता दिया, आइडियल बता दिया है, इवन जो टेम्परेट फ्रिजिड जोन वगैरह की लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में क्या फ़र्क है, तो उनसे को प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, जैसे कि 0 डिग्री दैट इज ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, उसको प्राइम मेरिडियन ऑफ इंग्लैंड उसको बोला जा रहा है। फिर अलग अलग इक्वेटर 0 डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दैट इज इन सदर्न हेमिस्फीयर वो भी 23.5 डिग्री साउथ में है, ऊपर आर्कटिक सर्कल नीचे एंटार्कटिक सर्कल। तो ओवरऑल आज हम लोग सेकेंड चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर एनसीईआरटी दैट इज नथिंग बट द मोशन ऑफ द अर्थ, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रोटेशन से क्या फर्क होता है, रिवोल्यूशन से क्या होता है, व्हाट इज समर सोल्स्टिस, व्हाट इज विंटर सोल्स्टिस, व्हाट आर इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स वगैरह वगैरह के बारे में आपको अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट, मजे कीजिए बट